हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल गार्डन फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डाइंथस प्लांट के बारे में जैसे कि आप देख रहे हो ये डाइंथस प्लांट है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है ये ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है देखने से लगता है कि बच्चों के नोटबुक पे किसी ने बच्चों ने ड्राइंग करके खूबसूरती से उसमें पेंट कर दिया है रंग भर दिया है ऐसा लगता है देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं फ्रेंड्स वाइट मैजेंटा पिंक पर्पल फिलहाल तो मेरे पास बहुत कम कलर है और ये देखिए और ये वाली भी है आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है ये मेरे किचन वेस्ट को मैं इस तरह से रख देती हूँ तो ये धीरे धीरे जो है फर्टिलाइज़र का काम करते जाएगा जैसे जैसे ये सड़ते जाएगा ओके फ्रेंड्स तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये विंटर प्लांट है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है पर इसे आप थोड़ा सा केयर करो तो ये पूरा साल भर आपको फ्लावरिंग देते रहेगा पूरा साल भर चलेगा या फिर यूं कहूं कि ये पा, एक परमानेंट फ्लावर है मैं कहूं तो भी ये गलत नहीं होगा क्योंकि इसे केयर करो तो ये साल भर फ्लावरिंग देते ही रहता है तो अगर मैं इसकी केयर की बात करूं तो फ्रेंड्स इसे वेल आ, बाकी प्लांट की तरह इसे सोयल जो है वेल ड्रेन सोयल बहुत पसंद है तो इसका ड्रेनेज होल का हमें खास ख्याल रखना होगा समर में और इसका मिट्टी जो है ऐसे फुरफुरा सा होना चाहिए फ्रेंड्स देखिए मैंने इसका मिट्टी को जो है फुरफुरा सा बनाए रखने के लिए ये जो है धान का ये भूसा को मैंने अप्लाई किया है जैसे कि आप ये देखिए ये देख रहे हो तो इसे ये फुरफुरा सा मिट्टी पसंद होता है तो इसे हम खास ख्याल रखना होगा और इसे ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए स्पेंट फ्लावर को हमें इस तरह से पिंचिंग करना होगा देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी पिंचिंग कर दिया है और पिंच करो तो मतलब इतना सा नहीं करना है हमें थोड़ा इतना थोड़ा नीचे से ही हमें पिंच करके स्पेन फ्लावर को फेंक देना है तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से फ्लावरिंग दे पाएगा तो ये स्पैन फ्लावर को पिंचिंग करने से ये कैसे फ्लावरिंग देता है मैं बताती हूँ आपको क्योंकि अगर स्पैन फ्लावर को पिंच नहीं करोगे तो ये, ये क्या होगा कि सीड्स बनाने में ये अपना जितना एनर्जी है ये सीड्स बनाने में फ्लावर से सीड्स बनाने में ये अपना एनर्जी उधर लगा देता है तो जो है ये फ्लावरिंग ब्लूम ठीक से नहीं कर पाता है तो अगर स्पैन फ्लावर को आप पिंच करके फेंक देते हो तो ये अपना एनर्जी जो है फ्लावरिंग को बाकी फ्लावरिंग बर्ड्स को फ्लावरिंग को जो है ए, फ्लावरिंग करने में ये अपना एनर्जी उस साइड पे लगा देता है फ्रेंड्स मैं इसकी सोयल मिक्सचर की बात करूं तो इसमें वन थर्ड कोई भी कंपोस्ट गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट और वन थर्ड जो है कोकोपीट या फिर आप ऐसे घास ये भूसा या धान के भूसा ले सकते हो और जो है वन थर्ड जो है गार्डन सोइल लेके इसका सोयल मिक्सचर आप बना सकते हो फ्रेंड्स अगर मैं इसके फर्टिलाइजर तो की बात करूँ तो फ्रेंड्स जैसे कि हर फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए होता है सप्ताह में एक बार इसे फर्टिलाइजर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा मैं इसे सप्ताह में या फिर पांच दिन में एक बार फर्टिलाइजर देती हूं क्या फर्टिलाइजर दे ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो मैं तो किचन वेस्ट से ही लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके हमेशा पाँच दिन में एक बार या फिर सप्ताह में एक बार देती हूँ और किचन वेस्ट से कौन सा फर्टिलाइजर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है शायद आपने देखा होगा तो ऐसे करने से जो है आपका प्लांट जो है काफी हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा और फ्लावर का कलर भी काफ़ी रंगीन होगा ये देखिए मैंने इसी सीजन में इसे परचेज करके लाई हूं मैं नर्सरी से तो ये अभी काफी हेल्दी है और फ्लावरिंग भी अभी अभी तक अच्छे से काफी अच्छे से कर रहा है फ्रेंड्स तो इसे सोयल में बताऊं तो इसे अल्कलाइन सोयल बहुत पसंद होता है इस फ्लावर को तो सोयल को अल्कोलाइन बनाने के लिए या तो आप लाइम जो आप पान वाले भैया जी जो गुमती में जो रखते हैं वो वो वाला लाइम को आप एक रात भर भिगो के थोड़ा सा वन टेबल स्पून वन लीटर पानी में तो उ, उसके बाद उस पानी को भी अप्लाई कर सकते हो या फिर वेस्ट टी लीफ जो मैंने दिखाया है ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है वेस्ट टी लीफ को आप चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बेकार चाय के पत्ती बच जाते हैं उसे दो तीन दिन धूप पे सुखा करके ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे करके गड्ढे बना करके भी आप यहाँ पे अगर डाल दो तो भी ये अल्कालाइन बनाता है सोइल को फ्रेंड्स तो आपको सोयल पे बस इतना ही करना है इसके क्यारिंग पे और इसको जो है फ्रेंड्स हम तीन तरह से उगा सकते हैं पहले तो हो गया सीड से सीड्स के थ्रू से हम उगा सकते हैं दूसरा हो गया कटिंग करके यानी कि पिंचिंग करके और तीसरा हो गया डिवाइडेड करके पिंचिंग करके हम कैसे कटिंग कर सकते हैं कि इसका कोई भी ब्रांच को ले लीजिए अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि चारों ओर हर जगह पे बर्ड्स है या तो फ्लावर्स है तो ऐसे कोई भी ऐसे किसी को भी आप चूज कर जहाँ पे नोट हो नोट का नीचे से आप पिंच करके और नीचे का जो है ऐसे करके लिप्स को हटा दीजिए उसके बाद ऐसे छोटे से गड्ढे करके ऐसे करके गाड़ दीजिए तो उसमें रूट्स आराम से डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की जरूरत नहीं है और डिवाइड करके जो है कैसे करना है डिवाइड करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ऐसे करके यहाँ से डिवाइड करके रूट्स के साथ लगाने से वो हो जाता है डिवाइडेड मेथड और कटिंग करके तो मैंने पिंचिंग करके ऑलरेडी लगा रखा है कम से कम पंद्रह बीस या फिर पच्चीस दिन करीब पहले मैं फ्रेंड्स के घर गई थी शायद वन वीक नो वन मंथ पहले भी हो सकता है मुझे इतना खास दिन याद नहीं है तो वहां से मैंने एक थोड़ा सा पिंच करके लाई थी तो मैंने उसे लगा रखा है वहां जमीन पे तो देखते हैं चलिए देखते हैं उस पर रूट्स कितना डेवलप हो रखा है या नहीं ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं ये डेंथस का प्लांट है छोटा सा ही है मैंने इसे कटिंग से यहाँ पे लगा रखा था ये वाइट डेंथस है मैंने इसके अपने फ्रेंड के घर से लाई थी तो चलिए देखते हैं इसका रूट्स कितना डेवलप हुआ है मैं इसे एक स्टिक की मदद से यहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ देखिए फ्रेंड्स लगता है इसका रूट्स काफी डेवलप हो चुका है ये देखिए फ्रेंड्स इसका रूट्स डेवलप हो चुका है मैं इसे दो करके दिखाती हूँ आपको ये देखिए इतना सही है पर मैंने इसे कटिंग से लगाया हुआ था तो इसका ये रूप डेवलप हो चुका है ये अप्रैल का महीना है फ्रेंड्स तो इसे आप इस तरह से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो ये देखिए फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैंने डिस्पोजल में डिस्पोजल ग्लास में मैंने इस, इस न... सोयल भर करके रखा है जो थोड़ा सेंटी टाइप का है मैं इसे इस तरह से दबा देती हूँ ताकि ये एयर बबल्स इसके अंदर ना रहे अब इसे जो है सेंटर पे लगाना है फ्रेंड्स ये अप्रैल का महीना है और नेक्स्ट विंटर के लिए आप डेंथस अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ये कटिंग से ग्रो होता है और मैं कोई रूटिंग हारमोन्स यूज नहीं करती फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ट्राई करो और इस पर मैं ये देखिए ये बोतल पर मैंने ये तीन छेद किया हुआ है तो कोई भी छोटा प्लांट या फिर सीडलिंग लगाती हूँ तो मैं इसी से वाटरिंग करती हूँ और जैसे कि आप जानते हो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे होल करके रखा हुआ है ड्रेनेज होल देखिए ये यहाँ तक भीगा हुआ है तो जब तक ये पानी यहाँ तक नहीं जाते आपको वाटरिंग करते रहना है लेकिन इतना भी वाटरिंग नहीं करना है कि ये यह यहाँ से ओवरफ्लो हो जाए तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसे वाटरिंग करना है फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास पिंक वाइट डेंथस है अब मैं इसे डिवाइड करके लगाऊंगी डिवाइड करके लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फ्रेंड्स कि हम किस साइड से डिवाइड करें इस साइड से मैं नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स लगे हुए हैं तो मैं इसे इस साइड से डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ डिवाइड करते समय फ्रेंड्स हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इसे रूट्स के साथ निकालें नहीं तो यह कटिंग बन जाएगा तो मैं इसे नीचे की ओर पुश करते हुए रूट्स के साथ निकालने की कोशिश करती हूँ देखते हैं क्या होगा लगता है फ्रेंड्स मैंने इसे रूट्स के साथ निकाल लिया है ये देखिए पहले मैं इसे ठीक कर लेती हूँ सीधा कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये छोटा सा ही रूट्स है ये देखिए पर इतना सा रूट्स काफ़ी होता है फ्रेंड्स ग्रो करने के लिए इतना सा रूट्स काफ़ी होता है फ्रेंड्स ये देखिए और मैंने इसे जो है पिंचिंग करके ग्रो किया था पिंचिंग और कटिंग सेम होता है फ्रेंड्स तो इसमें रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती पिंचिंग में और डिवाइडेड में जो है हमें रूट्स की ज़रूरत पड़ती है और मैंने इसे रूट्स के साथ निकाल लिया है अब जो है मैं इसे डिस्पोजल ग्लास में हमेशा की तरह ऐसे करके लगा दूँगी ऐसे कर ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अब इसे लगा दिया है इस पर वाटरिंग भी कर दिया है ये मैंने लगाया है डिवाइडेड करके फ्रेंड्स और देखिए ये कर, लगाया है कटिंग से यानी कि पिंचिंग से इसका सूट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है ये दोनों ही चल जाएगा फ्रेंड्स आई एम श्योर ये दोनों ही अच्छी तरीके से चलेगा अभी आपको लग रहा होगा कि ये कटिंग कटिंग वाला साइज चलेगा नहीं चलेगा ये अच्छे से दोनों ही चल जाएगा फ्रेंड्स और देखिए ये बिगोनिया मैंने इसका वीडियो आपको शेयर किया हुआ है देखिए बहुत छोटा काफ़ी छोटा सा ही था जब मैंने इसे यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ था तो ये अभी काफ़ी हेल्दी हो गया है देखिए कितने अच्छे से बहुत हेल्दी लग रहा है तो बहुत जल्द इसे पंद्रह से लेकर बीस दिन के बाद मैं इसे दूसरे वाले थोड़ी बड़ी वाली पॉट पर शिफ्ट कर दूँगी और ये डेंटास के लिए और एक जरूरी बात है फ्रेंड्स इसको फ्लावरिंग पाने के लिए इससे पाँच से लेकर छः घंटे की धूप चाहिए और इसके अलावा जब तेज धूप हो जून जुलाई के तेज धूप हो क्योंकि ये विंटर फ्लावर्स है तो इसे तेज धूप से इसे बचाना होगा जब बहुत ज़्यादा धूप तेज हो तो इसे जो है सेमी सेडी एरिया पे फ्रेंड्स इसे आपको शिफ्ट कर देना है फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर